अस्सलाम वालेकुम जी। तो आज की जो वीडियो है वो हमारी हैमलेट के ऊपर जो सीरीज़ है उसका पार्ट टू है। पार्ट वन में हमने डिस्कस किया था हैमलेट का एक्ट वन सीन वन, उसकी हमने लाइन टू लाइन ट्रांसलेशन एनालिसिस किया था। और आज जो है हमारा पार्ट टू है, एक्ट वन है और सीन टू है उसी प्ले में। तो उस प्ले ट्रांसलेशन एनालिसिस से पहले हम कुछ देख लेते हैं कि इसमें करेक्टर्स कौन कौन से हैं इस सीन में। तो इस सीन में जो करेक्टर्स हैं वो है, क्वीन भी है इस सीन में, किंग भी है, हैमलेट भी है, पोलोनियस भी है, लेटस भी है, गर्ट्रूड भी है, बर्नार्डो, मार्सिलियस, तकरीबन ये सारे करेक्टर्स इस सीन में आते हैं। तो इस सीन का थोड़ा सा इंट्रो देख लेते हैं कि इस सीन में होने के वाला है, जिससे आपको समझने में आसानी होगी सीन में। तो सीन ऐसा स्टार्ट होता है कि एक हॉल में सब जमा होते हैं, जहां पर जो क्लोडियस है, जो प्रेजेंट किंग ऑफ डेनमार्क है, वो एक स्पीच देता है जिसमें वो अपने लेट है भाई, लेट किंग जो होता है उसका जो भाई होता है उसकी डेथ के ऊपर गम का इजहार करता है, उसके बारे में दो चार बातें करता है। उसके बाद फिर वो लेटर से मुखातिब होता है, उससे बातचीत करता है। उससे बात करने के बाद फिर वो हैमलेट की तरफ जाता है, उससे पूछता है कि तुम इतने गमजुदा क्यों हो, ये वाली सारे बातें होती हैं। और क्वीन भी इस मौजू पर हैमलेट से बात करती है। उसके बाद फिर वो जब वो हैमलेट से हो लेता है तो वो वापस चला जाता है। और उसके बाद फिर हैमलेट का सीन आता है कि हैमलेट की लगातार चार सोलिलोक्वीज़ वहाँ पर आती हैं, जिनको मैंने ब्लू और ग्रीन से हाईलाइट किया हुआ है। तो उसके बाद फिर वहाँ पर हैमलेट के जब उसकी सोलिलोक्वीज़ चली जाती हैं, उसके बाद फिर इंटर होते हैं बर्नार्डो, मार्सिलियस और हॉरेशियो। ये तीनों आते हैं और हैमलेट को घोस्ट के बारे में बताते हैं, और घोस्ट के बारे में इनके दरमियान डिस्कशन होती है। और फिर ये तय पाया जाता है कि आज रात हैमलेट भी उनके साथ निगरानी करेगा। तो ये सब कुछ हैमलेट के इस प्ले में एक्ट वन में सीन टू में ये सब कुछ होता है। और सोलिलोक्वीज़ जो है वो मैंने आपको पहले बता दिया कि उनको मैंने ब्लू और ग्रीन से हाईलाइट किया हुआ है, तो आपको समझने में आसानी होगी कि कहाँ से सोलिलोक्वीज़ स्टार्ट हो रही है, कहाँ पर एंड हो रही है। उसके अलावा जो ये मैं सीन इसकी ट्रांसलेशन करवा रहा हूँ उर्दू में, अगर ज़रूरी नहीं है कि ये बिल्कुल ठीक हो, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, तो मैं भी अपनी तरफ से जितनी मेरी सोच है, जितना मैं कर सकता हूँ उस हिसाब से मैं इसको कवर करने की कोशिश करता हूँ। अगर कोई वर्ड, कोई सेंटेंस या कोई मायने मैं गलत बता दूँ तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ठीक कर सकते हैं, मुझे बहुत खुशी होगी। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं एक्ट वन सीन टू की ट्रांसलेशन एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। तो ये स्टार्ट होता है सीन, अ रूम ऑफ स्टेट इन द कैसल, मतलब कैसल के अंदर एक रूम है जहाँ पर किंग, क्वीन, हैमलेट, पोलोनियस, लेटस, फोल्टीमोंट, कॉर्नेलियस, लॉर्ड्स एंड अटैच, मतलब सब लोग वहाँ पर जमा है। तो सीन स्टार्ट होता है कि किंग से स्टार्ट होता है, किंग वहाँ पे स्पीच देता है एक छोटी सी। तो ये स्पीच स्टार्ट होती है, किंग कहता है कि थॉट येट ऑफ हैमलेट आर डियर ब्रदर्स डेथ, द मेमरी बी ग्रीन, के जो हमारा भाई है जिसकी मौत हो गई है उसकी याद, उसका जो गम है वो अभी भी हमारे अंदर ताज़ा है, एंड दैट इट इस बेफिफ्टेड, और हम सब इसी के बारे में बात कर रहे हैं, टू बियर आर हार्ट्स इन ग्रीफ एंड आर होल किंगडम टू बी कंट्रैक्टेड इन वन ब्रो ऑफ वो, कहता है कि हमारे दिल और हमारी ये पूरी जो रियासत है वो गम की कतार में एक साथ लगी हुई है, खड़ी हुई है। येट सो फार हैथ डिस्क्रिशन फॉट विद नेचर, के हम अब तक हम कुदरत के साथ मतलब लड़ते आए हैं, तकरीबन कुदरत के साथ हम लड़ते आए हैं अब तक, दैट वी विद वॉइस सोरो थिंक ऑन हिम, हमें अकल के साथ इसके ऊपर सोचना चाहिए, टुगेदर विद रिमेंबरेंस ऑफ आर सेल्स, हमें इस गम के साथ अपना भी ख्याल रखना चाहिए, अपने फलाह का भी ख्याल रखना चाहिए। देयरफॉर आर समटाइम्स सिस्टर नाउ आर क्वीन, के किसी वक्त जो हमारी भाभी थी वो अब हमारी मलिका हैं। द इम्पर्शियल जॉइंटर्स ऑफ दिस वॉर लाइक स्टेट, के जो के इस जंगजू रियासत में हमारी शाही साथी हैं। फिर उसके बाद वो कहता है, हैव वी एज टूर विद अ डिफीटेड जॉय, कि हमने जो अब तक खुशी मनाई है वो शिकस्त खाई हुई, मतलब डिफीटेड जॉय है वो, कोई ऐसी जॉय नहीं थी जिसको अच्छी तरह मतलब मनाया जा सके, वो खुशी हमने पूरी तरह नहीं मनाई। विद वन ऑस्पियस एंड वन ड्रॉपिंग आई, कि हमारी एक आँख जो थी उसमें खुशी थी, मतलब वो खुश आँख थी, और दूसरी में आंसू थे। विद मिर्थ इन फ्यूनरल एंड विद डिर्ज इन मैरिज, मतलब ये जो गम है और ये शादी है, ये दोनों चीज़ें इतनी मिक्स हो गई थी कि हम लोग जो थे वो जनाजे में, जो लेट किंग हैमलेट का जो जनाजा था उसमें खुश थे, और जब शादी हुई तो उसमें हमने गम मनाया, ये कहता है वो।
फिर उसके बाद है, अच्छा ये जो ग्रीन है या ये सोलिलक्वी स्टार्ट हो चुकी है, ये क्लॉडियस की सोलिलक्वी है और ये आगे तक चलेगी। अब इन इक्वल स्केल वेटनिंग डिलाइट एंड डोल, और इसी तरह हमने गम और खुशी को बराबर किया रखा, मतलब वो गम भी मनाया और खुशी भी मनाई। टेकन टू वाइफ, हमने शादी की नोर, और शादी के दौरान टेकन टू वाइफ जब हमने शादी की नोर है वी हेयर इन बर्ड योर बेटर विजडम्स विच हैव फ्रीली गोन विद दिस अफेयर अलोंग। अब वो कहता है कि ये जो हमने शादी की है इसमें हमने आपके उस फैसले को बहुत ही अप्रिशिएट किया है, बहुत ही सराहा है जो अब तक आपने हमारे साथ, मतलब हमारे साथ आप चलते रहे हैं, इस फैसले को आपने जो मतलब अप्रूव किया है, इससे रजामंदी जाहिर की है, उसको हमने मतलब देखा है, उसको भी साथ लेकर चले हैं। फॉर ऑल आवर थैंक्स, मतलब उस सब के लिए हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। नाउ फॉलोज दैट यू नो, अब जो बात है कि दैट यू नो, आप जानते हैं, यंग फटिंग ब्रास होल्डिंग अ वीक सपोजल ऑफ आर वॉर्थ, मतलब जो यंग फटिंग ब्रास है, जो मतलब नॉर्वे का जो किंग था उसका जो बेटा है प्रिंस फटिंग ब्रास, उसके बारे में बात हो रही है कि वो उसको हमारे बारे में एक गलत राय दी गई है, मतलब वो अभी हमारे बारे में ना उसका जो है राय गलत है, और थिंकिंग बाय आर लेट डियर ब्रदर्स डेथ, और हमारे भाई की मौत के साथ वो ये सोच रहा है कि आवर स्टेट टू बी डिसजॉइंट एंड आउट ऑफ फ्रेम, कि हमारी जो रियासत है वो बिखर गई है और अपनी हालत से बाहर निकल गई है। कोलीग्ड विद अ ड्रीम ऑफ हिज एडवांटेज, और वो इस ख्वाब के साथ फ़ायदा उठाना चाहता है, मतलब ये सोच रख के वो फ़ायदा उठाना चाहता है कि ही हैथ नॉट फेल्ड टू पेस्टर अस विद मैसेज, और वो ये काम करने में नाकाम नहीं हुआ है हमें एक ख़त भेजकर, मतलब हमें ना एक उसने ख़त भेजा है और वो कह रहा है कि ये बात, ये सब कुछ करके वो नाकाम नहीं हुआ है बल्कि उसने ये काम कर रहा है, वो इम्पोर्टिंग द सरेंडर ऑफ दोज लैंड्स बाय लॉस्ट बाय हिज फादर विद ऑल बॉन्ड्स ऑफ लॉ टू आर मोस्ट वेलियंट ब्रदर। वो कह रहा है कि उसने ख़त जो लिखा है उसमें वो कहता है कि वो तमाम ज़मीन जो उसका बाप हमारे भाई बहादुर भाई हैमलेट से कानूनी तौर पर, मतलब वो जंग हार गया था तो कानूनी तौर पर वो जो ज़मीन हार गए थे वो हमसे अब दोबारा मांग रहा है। वो सो मच फॉर हिम, अब तक के लिए इतना ही। नाउ फॉर आवर सेल्स एंड फॉर दिस टाइम ऑफ मीटिंग, के अब हम अपने लिए और ये जो हमने लोग यहाँ पर इकट्ठे किए हैं, दस मच द बिजनेस इज़, और ये हमारा मतलब ये हमारा बनता है, ये दिस बिजनेस इज, और कारोबारी लिहाज से हमारा जो काम बनता है वो ये है कि वी हैव हेयर रिटर्न टू नॉर्वे अंकल ऑफ यंग फॉर्टिन ब्रास, कि हमने जो फॉर्टिन ब्रास प्रिंस फॉर्टिन ब्रास है उसका जो एक चचा की बात कर रहा है कि उसका जो चचा है ओल्ड नॉर्वे उसको कह रहा है कि उसको हमने ख़त लिखा है हु इम्पोर्टेंट एंड बेड रिट, जो कि अब लाचार है और बिस्तर पर है, मतलब मरीज है, स्केयरली हेयर्स ऑफ दिस हिज नेफ्यूज पर्पज, कि शायद ही उसे अपने भतीजे के इन कारनामों का पता हो, टू सप्रेस, कि वो इसे रोके, हिज फर्दर गेट हेयर इन, कि वो इसे मजीद इनका इस काम में आगे बढ़ने से रोके, इन दैट द लिवीज मर्दों की तरह उसे रोके। द अच्छा आगे वो कहता है, द लास्ट लाइन है यहाँ पे, द लिस्ट एंड फुल पोर्शंस आर ऑल मेड आउट ऑफ हिज सब्जेक्ट्स। वो कहता है कि जो हमने फौजी दस्ते और घोड़ों की फौज और बाकी जो तैयारियां हैं, जो सब हमने तैयारियां की हैं, वो सब हमने उसी से की हैं कि जो चीज़ हमने उसके बाप से ली थी, मतलब जो उसका बाप जो जंग में चीज़ें हार गया था उसी से हमने फौजी दस्ते वगैरह और बाकी तैयारियां की हैं, मतलब वो सब कुछ है तो उसी का, लेकिन हमने जीता था वो। एंड वी हेयर डिस्पैच, और हम यहाँ पर भेजते हैं यू गुड कॉर्नीलियस एंड यू वोल्टीमॉन्ट, अब ये दो लोग हैं जिनको वो कह रहा है कि मैं इनको भेजूँगा, इनके हाथ वो ख़त भेजूँगा, कॉर्नीलियस एंड वोल्टीमॉन्ट, फॉर बियरर्स ऑफ दिस ग्रीटिंग टू ऑल नॉर्वे, कि वो ये ख़त जो नॉर्वे ओल्ड नॉर्वे कह रहा है कि उसके चचा के पास ये ख़त लेकर जाएं, गिविंग टू यू नो फर्दर पर्सनल पावर टू बिजनेस विद द किंग मोर देन द स्कोप ऑफ दिस डिलेटेड आर्टिकल्स अलाउ, कहता है कि और हम तुम्हें अलाउ करते हैं कि तुम इस ये जो हमने तुम्हें ख़त दिया है इसके सिर्फ यही जाके उसे दे आओ, इसके अलावा और कोई काम मत करना, मतलब इसके अलावा और कोई काम ना करना। फिर कह रहा है फेयरवेल एंड लेट योर हेस्ट कम
कमेंड योर ड्यूटी, चलो ठीक है अब तुम जाओ, और तुम्हारी जल्दी अब बताएगी कि तुम अपने अपने काम में कितने ज़िम्मेदार हो, मतलब इतनी जल्दी जाओ कि हमें तुम्हारी जिम्मेदारी का पता चले। फिर कॉर्नीलियस एंड वाल्टिमोर, यहाँ पे उसकी वो सॉलिडी कोई एंड हो गई है। फिर कॉर्नीलियस एंड वाल्टिमोर कहते हैं, इन दैट एंड ऑल थिंग्स विल वी शो आर ड्यूटी, वो कहते हैं कि हम आपको नाराज़ होने का मौका नहीं देंगे। मतलब किंग कहता है, वी डाउट इट नथिंग, मुझे यकीन है, मुझे भी यकीन है, हेयर इट फेयरवेल, चलो अब ठीक है तुम लोग जाओ। अच्छा, फिर वो वाल्टिमोर और कॉर्नीलियस चले जाते हैं। एंड नाउ लेटस, फिर वो लेटस की तरफ आता है, जो पोलिनियस का बेटा है ना, वज़ीर है, जो दरबार में वज़ीर है, उसका बेटा है लेटस, वो भी आया हुआ था उसके जनाजे पर। फिर उसकी तरफ वो आता है, कहता है, एंड नाउ लेटस व्हाट्स द न्यूज़ विद यू, अच्छा अब लेटस तुम बताओ कि तुम्हारे साथ क्या मामला है। यू टोल्ड अस ऑफ सम सूट, तुमने किसी दरख्वास्त के बारे में हमें कहा था, व्हाट इज़ इट लेटस, वो क्या थी लेटस। यू कैन नॉट स्पीक ऑफ रीज़न टू द डेन एंड लूज योर वॉइस, तुम हमें उस चीज़ को बताओ तो सही कि तुमने क्या मांगा था, मतलब और हम तुम्हें मतलब वो ज़रूर देंगे। फिर कहता है, व्हाट वुडस दो बैक लेटस, दैट शैल नॉट बी माय ऑफर नॉट दाई आस्किंग, कहता है कि ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है लेटस के जो तुम मांगो और वो हम तुम्हें ना दे सकें। द हेड इज़ नॉट मोर नेटिव टू द हार्ट, फिर वो यहाँ पे एक थोड़ा सा कहने के यहाँ पे एक मेटाफर यूज़ करता है कि द हेड इज़ नॉट मोर नेटिव टू द हार्ट, के मतलब जो दिमाग है वो दिल के साथ इतना जुड़ा हुआ नहीं है, और ना ही द हैंड मोर इंस्ट्रूमेंटल टू द हार्ट, और ना ही जो हाथ है वो मुंह के साथ इतना जुड़ा हुआ है कि जितना, यहाँ पे वो कह रहा है जितना, देन इज़ द थ्रोन ऑफ डेनमार्क टू दाई फादर, कि जितना मैं मेरा तुम्हारे बाप के साथ रिश्ता है, मतलब अब वो इस रिश्ते को कंपेयर कर रहा है हाथ मुंह और दिल दिमाग और दिल के रिश्ते के साथ, मतलब इतना दिमाग और दिल और हाथ और मुंह का रिश्ता नहीं है जितना मेरा और तुम्हारे बाप के साथ है। व्हाट वुडस दो हैव लेटस, के तुम क्या चाहते हो लेटस, लेटस कहता है ट्रीट माई लॉर्ड, उसको कहता है मेरे बादशाह सलामत, योर लीव एंड फेवर टू रिटर्न टू फ्रांस, मैं आपकी मतलब इजाज़त चाहता हूँ और रजामंदी चाहता हूँ फ्रांस जाने के लिए, वापस फ्रांस जाने के लिए आपकी इजाज़त और रजामंदी चाहता हूँ। फ्रॉम वेंस दो विलिंगली आई केम टू डेनमार्क, कि मैं अपनी इजाज़त के साथ डेनमार्क आया था, टू शो माई ड्यूटी इन योर कोरोनेशन, के आपकी ताजपोशी में मैं अपनी जिम्मेदारी अदा करूँ, येट नाउ अब मैं समझता हूँ कि आई मस्ट कन्फेस दैट ड्यूटी डन, अब मेरा काम हो गया है, माई थाट्स एंड विशेज बेंड अगेन टू वर्ड फ्रांस, अब मेरी ख्वाहिश है कि मैं दोबारा फ्रांस चला जाऊं, एंड बो देम टू योर ग्रेशियस लीव एंड पर्डन, और मैं अपनी इस ख्वाहिश को आपकी इजाज़त और रजामंदी के सामने झुकाता हूं, मतलब जब तक आप मुझे ये इजाज़त और रजामंदी नहीं देते मैं अपनी इस ख्वाहिश पर अमल नहीं करूंगा, मतलब मैं नहीं जाऊंगा आपकी इजाज़त और रजामंदी के बगैर। किंग कहता है, हैव यू योर फादर्स लीव, क्या तुमने अपने वाले साहब से पूछा। व्हाट सेज पोलोनियस, के पोलोनियस ने क्या कहा, फिर पोलोनियस कहते हैं वहां पे, ही हैज माय लॉर्ड रन फ्रॉम मी माई स्लो लीव, इसने कहता है मेरे आका इसने मुझसे इजाज़त ले ली है, मतलब ज़िद करके मुझसे इजाज़त ले ली है, बाय लेबर सम पिटिशन एंड एट लास्ट, इसने इतनी ज़िद की, लेबर सम पिटिशन मतलब इतनी ज़्यादा ज़िद की, एट लास्ट के आखिरकार, अपॉन हिज विल आई सील्ड माई हार्ड कंसेंट, के मैंने अपनी सख्त इसकी इतनी ज़्यादा ज़िद पर मैंने अपनी सख्त रजामंदी पर मोहर लगा दी, मतलब मैं मान गया। आई डू बीसीच यू गिव हिम लीव टू गो, मैं आपसे भी इल्तजा करता हूँ कि इसको जाने की इजाज़त दे दें। उसके बाद वो कहता है, किंग कहता है, टेक द फेयर और अपना वक्त लो, तुम अपना वक्त लो, मतलब जितनी देर जब तुम जाना चाहो जा सकते हो, लेटेस्ट टाइम टू बी दाइन, अपनी मर्जी से जिस टाइम जाना चाहो तुम जा सकते हो, एंड दाई बेस्ट ग्रेसिस स्पेंड इट ऑल स्पेंड एट दाई विल, और जब तक तुम मतलब वहाँ पर रहना चाहो वहाँ पर रह सकते हो, बट नाउ माई कज़न, अच्छा फिर वहाँ पर उससे बात करने के बाद फिर हैमलेट से एड्रेस होता है, ये फिर कहता है नाउ बट नाउ, लेकिन अब माई कज़न हैमलेट एंड माई सन, मेरे भतीजे हैमलेट, यहाँ पे माई कज़न लिखा है, ये शेक्सपियर का स्टाइल है किसी भी रिलेशन को लिखने का, वो उस रिलेशन को ओरिजिनल नहीं लिखते, मतलब अगर वो उसका भतीजा है तो नेफ्यू की जगह पे यहाँ पे कज़न लिखा है, तो फिर वो कहता है माई कज़न हैमलेट एंड माई सन, मेरे भतीजे हैमलेट और मेरे बेटे, हैमलेट कहता है असाइड
मतलब असाइड यहाँ पे लिखा है कि वो ऐसे कहता है कि जो सामने वाला करेक्टर जो क्लोडियस है वो इतना आहिस्ता कहता है कि क्लोडियस को भी ये बात ना सुनी हो। वो कहता है कि अ लिटल मोर देन किन एंड लेस देन काइंड। वो कहता है कि आपके रिश्तेदार से, मैं आपके रिश्तेदार से कुछ ज़्यादा हूँ और आपके बेटे से कम हूँ, ये बात वो कहता है। किंग कहता है हाउ इज़ इट दैट द क्लाउड्स स्टिल हैंग ऑन यू, ऐसा क्यों है कि तुम अब भी गम में डूबे हुए हो, गम के बादल अब भी तुम पे छाए हुए हैं। मैं कहता हूँ नॉट सो माई लॉर्ड, ऐसा तो नहीं है, आई एम टू मच इन द सन, मतलब मैं सूरज में हूँ, मतलब मैं, मुझे गम तो है लेकिन इतना तो नहीं है जितना आप कह रहे हैं। क्वीन कहती है गुड हैमलेट, अच्छी बात है हैमलेट, कास्ट द नाइटेड कलर ऑफ, ये जो तुमने रात वाला लिबास मतलब काला स्याह लिबास पहना हुआ है इसे उतार दो, एंड लेट दाइन आई लुक लाइक अ फ्रेंड ऑन डेनमार्क। डेनमार्क यहाँ पे मतलब क्लोडियस की बात कर रहे हैं कि अब अपनी आँखों से अब जो डेनमार्क जो क्लोडियस है जो तुम्हारा बाप है उसको एक दोस्त की तरह एक बाप की तरह देखो। डू नॉट फॉर एवर विद दाई वेल्ड लिड्स, मतलब हमेशा अपनी आँखें नीचे ना झुकाई रखो। सीक फॉर द नोबल फादर इन द डस्ट, कि उन तुम नीचे आँखें झुकाकर अपने उसी बाप को जिसकी मतलब मौत हो गई है उसको ढूंढते रहो आँखें झुकाकर, ये बात वो करती है। दो नोस्ट इट्स कॉमन, तुम भी जानते हो कि ये बात आम है, ऑल दैट लिव मस्ट डाई, ये बहुत ही प्यारी लाइन है यहाँ पे, ऑल दैट लिव मस्ट डाई, मतलब जो पैदा हुआ है उसने मरना ही है। तो पासिंग थ्रू नेचर टू इटर्निटी, कि वो पैदा हुआ है दुनिया में रहता है और फिर इटर्निटी चला जाता है, ऊपर जहाँ से आया उस वहीं पे चला जाता है। हैमलेट कहता है ए मैडम इट इज़ कॉमन, ये आम है, मैडम कह रहा है यहाँ पे उसको, मतलब उसके गुस्से का इजहार है हैमलेट का कि वो खुश नहीं है इस शादी से, कह रहा है ए मैडम इट इज़ कॉमन, ये आम है। क्वीन कहती है कि इफ़ इट बी, अगर ये आम है मतलब जो तुम कह रहे हो वो ठीक है, वाई सीम्स इट सो पर्टिकुलर विद दी, कि ये तुम्हारे साथ इतना ख़ास क्यों है। हैमलेट कहता है अभी यहाँ सोलिलोक्वी आ गया उसकी, वो कहता है सीम्स मैडम, मैडम क्या ऐसा लग रहा है, नहीं इट इज़ आई नो नॉट सीम्स, मुझे नहीं लगता कि ऐसा लग रहा है, क्योंकि वो कहता है आगे, फिर वो कहता है इट इज़ नॉट अलोन माई इंकी क्लोक, कि मेरा जो ये काला लिबास है प्यारी माँ, के सिर्फ यही वो नहीं है, नॉर कस्टमरी सूट्स ऑफ सॉलेम ब्लैक, के और ना ही जो ऐसे हालात में जो काले लिबास पहने जाते हैं, रिवायती लिबास पहने जाते हैं, ना ही वो, नॉर विंडी सस्पिरेशन ऑफ फोर्स्ड ब्रीथ, और ना ही जो तेज़ी से सांसें ली जाती हैं ऐसे हालात में, ना ही वो, नो नॉर द फ्रूटफुल रिवर इन द आई, और ना ही मेरी आंखों में जो आंसू हैं वो, नॉर द डिजेक्टेड हैवियर ऑफ द विजन, और ना ही मेरा मुरझाया हुआ चेहरा, टुगेदर विद ऑल फॉर्म्स, इन सारी चीज़ों के साथ मोड्स एंड शोज ऑफ ग्रीव, इन सारी हालतों में दैट कैन डिनोट मी ट्रूली, ये वो हालतें नहीं हैं कि जो मुझे अंदर से बयान करती हैं, मतलब ये वो सारी चीज़ें हैं कि जो मुझे नहीं बयान कर सकती, दीज इन डीड सीम, कि अंदर से जो है फार दे आर एक्शंस दैट अ मैन माइट प्ले, जो मेरे अंदर है वो यही है कि एक आम आदमी जो इन हालात में कर सकता है, बट आई हैव दैट विद इन विच पास शो, लेकिन मेरे अंदर जो है वो मैं ही सिर्फ देख सकता हूँ। दीज बट द ट्रैपिंग्स एंड द सूट्स ऑफ, लेकिन जो मैंने ऊपर पहना हुआ ये तो बस रिवायती लिबास हैं और गम के दौरान पहने वाले लिबास हैं। फिर किंग कहता है बी स्वीट एंड कमेंडेबल इन योर नेचर हैमलेट टू गिव दीज मॉर्निंग ड्यूटीज टू योर फादर, ये बहुत ही स्वीट है, मतलब अच्छा है और प्यारा है, ये तुम्हारी बहुत अच्छी फितरत है हैमलेट कि तुमने अपने बाप को ये गम का इजहार किया, मतलब ये सब कुछ किया जो कपड़े वगैरह पहने उसके बारे में कह रहा है, बट यू मस्ट नो, लेकिन तुम्हें जानना चाहिए योर फादर लॉस्ट अ फादर, कि तुम्हारे बाप ने भी एक बाप खोया था, दैट फादर लॉस्ट हिज फादर, मतलब उसके बाप ने भी उसका बाप खोया था, और ये ऐसे एंड द सर्वाइवर बाउंड, और ऐसे आगे चलता रहा। इनफिलियल ऑब्लिगेशन फॉर सम टर्म टू डू सब्सिक्वेंट सोरो, के कुछ रिवायात हैं जिनके तहत तुम जिसके हद में रहकर ये गम किया जा सकता है, बट टू प्रिजर्व इन ऑब्स्टिनेट कंडोलमेंट इज़ अ कोर्स ऑफ इम्बियस स्टबबोर्नेस, लेकिन इस गम को एक ऐसी हालत में करना जैसे तुम कर रहे हो ये एक ज़िद्दीपन की अलामत है, दिस अनमैनली ग्रीफ, और ये आदमियों की निशानी नहीं है, मतलब आदमी ऐसा
तक हम नहीं करते जैसे तुम कर रहे हो। इट शोज अ विल मोस्ट इनकरेक्ट टू हैवन, और ये तुम फितरत के खिलाफ काम कर रहे हो। हार्ट अनफोर्टिफाइड, अ माइंड इम्पेशेंट एंड अंडरस्टैंडिंग सिंपल एंड अनस्कूल्ड। वो कहता है कि आ हार्ट अनफोर्टिफाइड, तुम्हारा दिल है वो गैर मज़हब वाला है, मतलब वो उस मज़हबी रिवायात उसमें नहीं है। अ माइंड इम्पेशेंट, दिल बहुत बेसब्रा है। एंड अंडरस्टैंडिंग सिंपल, जो कि बहुत ही बेवकूफ़ और गैर तालीम याफ्ता हरकत है ये जो तुम कर रहे हो। मतलब फिर कहता है फॉर व्हाट वी नो मस्ट बी, एंड जिसके लिए हम जानते हैं कि इज़ एज कॉमन एज एनी द मोस्ट वल्गर थिंग्स टू सेंस। और ये ऐसे ही है कि जैसे भी किसी भी घटिया चीज़ को तसव्वुर करना, उसको सोचना, और ये ऐसे ही है, उसी की मांद है कि जैसे तुम किसी घटिया चीज़ को सोच रहे हो। उससे ये कह रहा है, उसको लिंक कर रहा है। वाई शुड वी इन आर पीवीश ऑपोजिशन, वाई शुड वी इन आर पीवीश ऑपोजिशन, कि हम इस चीज़ के खिलाफ क्यों हैं। टेक इट टू हार्ट, कि तुमने इसको दिल पर ले लिया है। इट इज़ अ फॉल्ट टू हेवन, कि ये कुदरत के खिलाफ है। फॉल्ट अगेंस्ट द डीड, अ फॉल्ट टू नेचर, कि ये अमाल के खिलाफ है और नेचर के, मतलब फितरत के खिलाफ है। टू रीजन मोस्ट एब्सर्ड, हुज कॉमन थीम इज डेथ ऑफ फादर्स एंड हु स्टिल हैथ क्राइड फ्रॉम द फर्स्ट कोर्स टिल ही दैट डाइड टूडे। कहता है कि इसकी वजह बहुत ही अजीब है कि जिसका कॉमन थीम, मतलब कि एक आदमी है, उसका बाप है, उसने मरना ही मरना है, तो वो चीज़ बहुत ही कॉमन है, जिसका थीम ही बहुत कॉमन है कि उसने मरना है। और तुमने शुरू में सबसे पहले भी जो मौत हुई उसको भी देखा, और अब भी जो हुई है उसको भी देखा है, तो ये बहुत ही कॉमन चीज़ है। दिस मस्ट बी सो, और ऐसा ही होता आ रहा है। वी प्रे यू थ्रो टू अर्थ दिस अनप्रिविलिंग वो एंड थिंक ऑफ अस, मैं मेरी दुआ है कि तुम इस जो तुम्हारा गम है, जो बहुत ज़्यादा तुम्हारा गम है, इसको तुम फेंक दो, इसको छोड़ दो, और हमारे बारे में भी सोचो। एज ऑफ अ फादर फार, लेट द वर्ल्ड टेक नोट, यू आर द मोस्ट इमीडिएट टू आर थ्रोन। एज अ फादर, मतलब हमारे बारे में बाप की तरह सोचो तुम, हमारे बारे में एक बाप की तरह, कि मैं तुम्हारा बाप हूँ। फॉर लेट द वर्ल्ड टेक नोट, कि दुनिया को देखने दो, या दुनिया जानती है, यू आर द मोस्ट इमीडिएट टू आर थ्रोन, कि तुम ही हो जो हमारे बाद इस गद्दी के, मतलब इस किंगशिप के वारिस हो, हमारे बाद तुम ही वारिस हो। एंड विद नो लेस नोबिलिटी ऑफ लव दैन दैट विच डियरेस्ट फादर बियर्स हिज सन, कि ये वो सब प्यार है जो कि एक बाप अपने बेटे को दे सकता है। डू आई इम्पार्ट टू वर्ड यू, क्या मैं तुम्हें इजाज़त दे दूँ, मतलब तुम्हें इजाज़त दे दूँ, फॉर योर इंटेंट इन गोइंग बैक टू स्कूल इन विटनबर्ग, कि तुम विटनबर्ग, जो तुम्हारा स्कूल है, वहाँ पर वापस जा सको। इट इज़ मोस्ट रेट्रोग्रेड टू आर डिज़ायर, कि ये मेरी ख्वाहिश के खिलाफ है। एंड वी बिसीच यू बैंड यू टू रिमेन, और मैं तुम्हें इल्तिजा करता हूँ कि तुम यहाँ पर ही रहो, हेयर इन द चेयर एंड कम्फर्ट ऑफ आर, हमारी आंखों के सामने खुश यहाँ पर रहो, तुम हमारी आंखों के सामने यहाँ पर खुश रहो। आर चीफेस्ट कॉटरियर कजन एंड आर सन, हमारे मतलब चीफेस्ट मोजस तीन दरबारी बनकर, भतीजे बनकर, और हमारे बेटे बनकर, क्वीन कहती है। लेट नॉट thy मदर लूज हर prayers, हैमलेट, अपनी माँ की दुआ को बेकार न जाने दो हैमलेट। आई प्रे thee स्टे विद us, गो नॉट टू विटनबर्ग, मैं दुआ करती हूँ कि तुम हमारे साथ रहो और विटनबर्ग ना जाओ। हैमलेट कहता है आई शैल इन ऑल माई बेस्ट ओबे यू मैडम, मैं आपकी बात पर अमल करूँगा मैडम। किंग कहता है वाई इट इज़ अ लविंग एंड फेयर रिप्लाई, अब यहाँ पे किंग कह रहा है कि तुमने अपनी माँ को कितना प्यारा जवाब दिया है, और जो मुझे नहीं दिया, मतलब उसने भी इतना बात किया, उसको जवाब नहीं दिया, उसकी माँ को उसने जवाब दे दिया। किंग कहता फिर कहता है बी एज आर सेल्फ इन डेनमार्क, डेनमार्क में जिस तरह हम रह रहे हैं इसी तरह ही तुम रहो। मैडम कहती है कम, फिर डेनमार्क यहाँ पे कहता है मैडम कम, फिर वो अपनी क्वीन को कहता है चलो यहाँ से चलते हैं, वहाँ से वो चला जाता है। दिस जेंटल एंड अनफोर्स्ड एक्ट ऑफ हैमलेट सिट्स स्माइलिंग टू माई हार्ट, कि जो ये जो हैमलेट की जो ये रजामंदी है, इसने मेरे दिल को बहुत खुश किया है। इन ग्रेस वेयर ऑफ नो
Jocund health that Denmark drinks today, but the great cannon to the clouds shall tell. यहाँ पे वो कहता है कि आज रात जो बादशाह जाम पिएगा उसकी गूंज उसका जो उसकी जो आवाज़ है वो तोप से आसमान तक जानी चाहिए. एंड द किंग्स रोज द हेवंस शैल ब्रूट अगेन री स्पीकिंग अर्थली थंडर. और वो आसमान पर जाकर ऐसे होनी चाहिए कि जैसे कि ज़मीन पर जलजला आया हो, वैसे होनी चाहिए. कम अवे. फिर वो कहता है चलो यहाँ से चलें. फिर हेमलेट आता है. हेमलेट की वो यहाँ पे लाइनें स्टार्ट होती हैं और हेमलेट की यहाँ पे कंटिन्यूसली चार सोलो क्वीज हैं जिनको मैंने दो कलर्स के साथ हाईलाइट किया हुआ है, आपको यहाँ पे पता चल जाएगा. तो हेमलेट की यहाँ पे स्टार्ट होती है लाइन. वो कहता है कि ओ दैट दिस टू सॉलिड फ्लैश वुड मेल्ट. के ये कहता है कि ये जो सख्त जो ये जो गोश्त है काश ये पिघल जाए तो एंड रिजॉल्व इट सेल्फ इन टू अ ड्यू. के ये भाप की हालत में तब्दील हो जाए. और दैट द एवरलास्टिंग हैड नॉट फिक्स्ड हिज कैनन अगेंस्ट सेल्फ स्लॉटर. ओ गॉड ओ गॉड. फिर कहता है कि ऐ खुदा के काश तूने खुदकुशी करने वाले को बुरा ना कहा होता कि उसको मतलब उसके लिए सजा न रखी होती. हाउ वेरी स्टेल फ्लैट एंड अनप्रॉफिटेबल सीम टू मी ऑल द यूजेस ऑफ दिस वर्ल्ड. के ये पूरी दुनिया मुझे पुरानी बासी और गैर मुनाफे वाली लग रही है, मतलब कि अनप्रॉफिटेबल लग रही है. फाय ऑन इट ओ फाय. यहाँ पे गम का इजहार कर रहा है. अफसोस हाय अफसोस. इट इज़ एन अनविडिड गार्डन दैट ग्रोज टू सीड थिंग्स रैंक एंड ग्रोज इन नेचर possesses it merely that it should come to this. वो कहता है कि ये पूरी दुनिया एक गैर एक ऐसा बीज है जिसको बोया नहीं गया, मतलब जो एक ऐसा पूरा बाग है जो कि बीज के बगैर उग गया. दैट ग्रोज टू सीड. के जो उग गया और उगने के बाद उसमें से बीज निकले. थिंग्स रैंक एंड ग्रोस इन नेचर. के चीज़ें उसमें से बड़ी हुई और बिला वजह पूरी दुनिया में फैल गई. पोजेसिस इट मेरिली. इन पर मतलब दुनिया में गालिब आ गई. That it should come to this, कि वो इस हालत में आ गई वो चीज़, वो गार्डन इस हालत में आ गया. But 2 months dead, कि अभी 2 महीने हुए थे मरे हुए. नहीं, not so much, not two. फिर वो कहता नहीं नहीं 2 महीने भी नहीं. So excellent a king, के इतने अजीम बादशाह that was to this Hyperion to a satyr. के मतलब कि वो फिर अपने जो बाप है उसको हाइपरियन एक उनका देवता है उससे लिंक करता है, कंपेयर करता है. और जो क्लोडियस है उसको सेटर से कंपेयर करता है कि वो एक शहवत प्रस्त इंसान है और मेरा जो बाप था वो तो एक हाइपरियन था, एक देवता था. सो लविंग टू माई मदर, जो कि मेरी माँ से बहुत प्यार करता था. उसके बाद वो कहता है कि दैट ही माइट नॉट बीटिंग द विंड्स ऑफ हेवन विजिट हर फेस टू रफली. हेवन एंड अर्थ मस्ट आई रिमेंबर. कहता है कि वो तो जन्नत की हवा को भी उसके चेहरे पर, अपनी माँ की बात कर रहा है कि वो जन्नत की हवा को भी उसके चेहरे पर ज़ोर से चलने नहीं देता था. हेवन एंड अर्थ ओ खुदा मस्ट आई रिमेंबर. मुझे क्या अभी ये याद रखना चाहिए. वाई शी वुड हैंग ऑन हिम एज इफ इंक्रीज ऑफ एपिटाइट हैड ग्रोन. के क्यों वो उससे गले मिलती है. एज इफ इंक्रीज के वो जब वो गले मिलती है तो उससे उसके जो भूख है वो और बढ़ जाती है. बाय व्हाट इट फेड ऑन. के जिसके ऊपर वो पलता है, मतलब जो जिस चीज़ के ऊपर वो पलता है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है. एंड येट विद इन अ मंथ, और एक महीने के अंदर. लेट मी नॉट थिंक ऑन. के मैं सोच भी नहीं सकता. फ्रेल्टी thy name is woman, कि कमज़ोरी का नाम औरत है. a little month, एक माह पहले. और इरे दोज शूज वर ओल्ड विद विच शी फॉलोड माई पुअर फादर्स बॉडी लाइक नॉइब ऑल टीयर्स. फिर वो कहता है कि अभी वो जूते पुराने भी नहीं हुए कि जिनके साथ उसने मेरे बाप की मैयत को पीछे उसके पीछे चली थी, मैयत के पीछे चली थी. लाइक नॉब कोई करेक्टर है उससे कंपेयर कर रहा है. ऑल टीयर्स के ऑल टीयर्स वाई शी इवन शी.
कि वो ऐसा क्यों कर रही है, पता नहीं वो ऐसा क्यों कर रही है। ओ गॉड है खुदा, बीस्ट, एक जानवर दैट वांट्स डिस्कोर्स ऑफ रीज़न, कि जब उससे कोई जुदा होता है वुड हैव मॉर्न्ड लॉन्गर, कि वो भी इससे ज़्यादा अफसोस करता है, ज़्यादा देर तक अफसोस करता है। मैरिड विद माइन अंकल, के उन्होंने मेरे अंकल से शादी कर ली, चाचा से क्लोडिया से शादी कर ली, माई फादर्स ब्रदर जो कि मेरे बाप का भाई था, बट नो मोर लाइक माई फादर, लेकिन मेरे बाप की तरह नहीं था। दैन आई टू हरकुलिस, हरकुलिस एक बैड करेक्टर है, उससे कनेक्ट कर रहा है कि वो हरकुलिस था, हरकुलिस है। विद इन अ मंथ, एक महीने में, एयर येट द सॉल्ट ऑफ मोस्ट अनराइटियस टीयर्स हैड लेफ्ट द फ्लशिंग इन हर गर्ल्ड आईज शी मैरिड, कि अभी तक उनकी आँखों में वो जो आँखों के पानी में जो नमक होता है वो भी अभी तक नहीं गया था उनकी आंखों से कि उन्होंने शादी कर ली। ओ मोस्ट विक्ट स्पीड टू पोस्ट, कि ये काम उन्होंने कितनी तेज़ी से किया, विद सच डेक्सटिविटी टू इंसेस्टस शीट्स, कि कितनी महारत के साथ उन्होंने, मतलब इंसेस्टस शीट्स मतलब अपने काले करतूतों पर चादर डाल दी, पर्दा डाल दिया। इट इज़ नॉट नॉर इट कैन नॉट कम टू गुड, के ये काम कभी भी ठीक नहीं है। बट ब्रेक माई हार्ट फॉर आई मस्ट होल्ड माई टंग, अब मुझे अपने ज़ुबान पर काबू रखना चाहिए इससे पहले कि वो मेरे दिल को चीर के रख दे। फिर उसके बाद ये यहाँ पे सोलिलोक्वीज एंड हो जाती हैं, और फिर वहाँ पे होरेशियो, मार्सिलियस और बर्नार्डो इंटर होते हैं, उस सीन में इंटर होते हैं। वो होरेशियो आता है, हेल टू योर लॉर्डशिप, बादशाह लॉर्डशिप कहता है, मतलब उसे कहता है कि बादशाह क्या हाल है, बादशाह सलामत। हैमलेट कहता है आई एम ग्लैड टू सी यू वेल, मैं तुम्हें देखकर बहुत खुश हूँ। होरेशियो कहता है, होरेशियो और आई डू फॉरगेट माई सेल्फ, कहता है कि होरेशियो क्या ये तुम ही हो या मैं भूल चुका हूँ कुछ। होरेशियो कहता है द सेम माई लॉर्ड, कि मैं ही हूँ एंड योर पुअर सर्वेंट एवर, के जो आपका वफादार मुलाजिम हूँ। हैमलेट सर माई गुड फ्रेंड, ओ मेरे प्यारे दोस्त, आई विल चेंज दैट नेम विद यू, मैं चाहता हूँ कि काश तुम्हारा नाम मेरा होता, एंड वट मेक यू फ्रॉम विटनबर्ग। होरेशियो मार्सिलियस फिर दोनों से पूछता है, होरेशियो और मार्सिलियस से पूछता है कि तुम विटनबर्ग से क्यों यहाँ पर आए। मार्सिलियस कहता है माई लॉर्ड, माई गुड लॉर्ड, मेरे प्यारे आका। हैमलेट कहता है आई एम वेरी ग्लैड टू सी यू, मार्सिलियस को कहता है कि मैं तुम्हें देखकर बहुत खुश हूँ। फिर बर्नार्डो को कहता है गुड इवन सर, और तुम्हें देखकर भी बहुत खुश हूँ, बट व्हाट इन फेथ मेक यू फ्रॉम विटनबर्ग, लेकिन तुम वहाँ विटनबर्ग से यहाँ पर क्यों आए हो। ऋषि कहता है अ ट्रॉन्ट डिस्पोजिशन गुड माई लॉर्ड, मेरे आका मैं तो घूमने के लिए आया हूँ, मतलब घूमने के लिए, ट्रॉन्ट डिस्पोजिशन मनहूस मेरी आदत है घूमने की, मैं वो उसके साथ आया। हैमलेट कहता है आई वुड नॉट हेयर योर एनिमी से सो, अगर तुम्हारा कोई दुश्मन भी ये बात कहे तब भी मैं ना मानूँ। नॉर शैल यू डू माइन एयर दैट वायलेंस टू मेक इट ट्रस्टर्स ऑफ योर ओन रिपोर्ट, फिर कहता है कि नॉर शैल यू डू माइन एयर दैट वायलेंस, और ना ही तुम ये सोचना कि मेरे कान इस चीज़ को बर्दाश्त कर लेंगे कि जो तुमने अभी अभी कहा है, अगेंस्ट योर सेल्फ, तुम्हारे खिलाफ ये चीज़ बर्दाश्त कर लेंगे। आई नो यू आर नो ट्रॉन्ट, कि तुम घूमने के आदि नहीं हो, बट वट इज़ योर अफेयर इन एल्सिनोर, कि तुम एल्सिनोर जो जगह है यहाँ पर क्या करने आए हो। कहता है वी विल टीच यू टू ड्रिंक डीप एयर यू डिपार्ट, अब मैं तुम्हें यहाँ पर जाम पिलाऊंगा। हरीश कहता है माई लॉर्ड आई केम टू सी योर फादर्स फ्यूनरल, मैं आपके बाप के जनाजे के लिए आया था। हम कहता है आई प्रे दी, मैं दुआ करता हूँ, डू नॉट मॉक मी, मुझे पागल मत बनाओ फेलो स्टूडेंट, मेरे हम जमात, मेरे दोस्त, मुझे पागल मत बनाओ। आई थिंक इट वॉज टू सी माई मदर्स वेडिंग, कि तुम मेरी माँ की शादी देखने आए थे। उसे कहता है इनडीड, हाँ ये भी है माई लॉर्ड मेरे आका, इट फॉलोड हार्ड अपॉन, क्योंकि वो बिल्कुल जनाजे के फ़ौरन बाद ही आ गई थी, तो इसलिए ऐसा भी कह सकते हैं। हैमलेट कहता है थ्रिफ्ट थ्रिफ्ट, मतलब टॉपिक चेंज कर देता है, कहता है होरेशियो द फ्यूनरल बेग मीट्स डिड कोल्डली फर्निश फॉर द मैरिज टेबल्स। हैमलेट कहता है कि हाँ तुमने ठीक कहा कि जनाजे के फ़ौरन बाद इस तरह शादी इतना फ़ौरन बाद आ गई थी कि जो खाना हमने जनाजे पर दिया था वही खाना शादी पर भी हमें मिला, ठंडा ठंडा खाना वही मिला।
वुड आई हैड मेट माय डियरेस्ट फो इन हेवन एर आई हैड एवर सीन दैट डे। वो कहता है कि वो जो दिन था वो इतना बुरा था होरेशियो के वो इससे भी बुरा था कि मैं जन्नत में अपने किसी दुश्मन से मिला हूँ, वो इससे भी बुरा था वो दिन। माई फादर मी थिंक्स आई सी माई फादर, कहता है मेरा बाप मुझे लगता है कि मैंने उन्हें देखा है। होरेशियो कहता है ओ वेयर माई लॉर्ड, कहाँ देखा है आपने? वो समझता है कि शायद इसने भी देखा है उसके बाप को। हैमलेट कहता है इन माय माइंड्स आई होरेशियो, अपने दिमाग में मतलब मैंने उन्हें देखा है। होरेशियो कहता है आई सॉ हिम वंस, मैंने भी उन्हें एक बार देखा है। ही वाज अ गुडली किंग, वो एक अच्छे बादशाह थे। हैमलेट कहता है ही वाज अ मैन, टेक हिम फॉर ऑल इन ऑल आई शैल नॉट लुक अपॉन हिज लाइक अगेन, कि वो ऐसे आदमी थे कि जो खसूसियात उनमें थी वो मैंने आज तक किसी और में नहीं देखी। होरेशियो कहता है माई लॉर्ड आई थिंक आई सॉ हिम यस्टरनाइट, मुझे लगता मेरे आका मैंने मुझे लगता है कि मैंने उन्हें कल रात देखा है। हैमलेट कहता है साहु किसे देखा है? होरेशियो कहता है माई लॉर्ड द किंग योर फादर, आपके द किंग माई लॉर्ड जो आपके बादशाह जो आपके बाप थे उन्हें मैंने देखा है कल रात। हैमलेट कहता है द किंग माई फादर, मेरे बादशाह मेरा बाप मतलब। होरेशियो कहता है सीजन योर एडमिरेशन फॉर अ वाइल, अपनी हैरानी जो आपकी जो ये हैरानी है इसको थोड़ा सा कंट्रोल करो विद एन अटेंट एयर और गौर से सुनो, टिल आई मे डिलीवर अपॉन द विटनेस ऑफ दिस जेंटलमैन दिस मार्वल टू यू, कि जो इन दो लोगों ने जो नज़ारा देखा है जो अजीम नज़ारा देखा है वो मैं आपको बताता हूँ। हैमलेट कहता है फॉर गॉड्स लव लेट मी हियर, खुदा के लिए जल्दी बताओ मुझे। होरेशियो कहता है टू नाइट्स टुगेदर हैड दिस जेंटलमैन, पिछली दो रातों में इन दो लोगों ने मार्सिलियस एंड बर्नार्डो ऑन देयर वॉच, अपनी निगरानी के दौरान मार्सिलियस और बर्नार्डो ने इन द डेड वेस्ट एंड मिडल ऑफ द नाइट, के रात के अंधेरे में जब लोग मतलब आधे मरे हुए होते हैं मतलब सो रहे होते हैं, बीन दस इनकाउंटर्ड अ फिगर लाइक योर फादर, कैसे आदमी को देखा जो कि आपके बाप की तरह लग रहा था, मतलब लेट किंग हैमलेट की तरह लग रहा था। आर्म्ड एट पॉइंट्स एग्जैक्टली कैप अ पी मतलब हेड टू टो सर से लेकर पांव तक, वो आपके बाप की तरह था। अपीयर्स बिफोर देम, उनके सामने आया एंड विद सॉलेम मार्च, और उसी तरह चलता हुआ आया, गो स्लो, जैसे कि मतलब शाही लोग आपके जो बाप थे बादशाह सलामत जो थे वो चलते थे बिल्कुल उसी तरह उनके सामने आया। गो स्लो एंड स्टेली बाय देम, उनके सामने से आहिस्ता से गुजर गया। थ्राइस ही वॉक्ड, तीन बार वो चला। बाय देयर ओप्रेस्ड एंड फियर सरप्राइज्ड आइज, उनकी खौफजदा आँखों के सामने वो ऐसा नज़ारा तीन बार मतलब तीन बार हुआ कि वो तीन रातों में उनके सामने आया और आहिस्ता से चला। विद इन हिज ट्रंकन्स लेंथ, जो उनके हाथ में ट्रंकन्स मतलब जो सिपाही के हाथ में जो डंडा होता है इतनी दूरी पर वो था। वाइल्स दे डिस्टिल्ड ऑलमोस्ट टू जेली विद द एक्ट ऑफ फियर, कि जब वो बिल्कुल जेली की तरह खौफ से पिघले हुए थे तो वो उनके पास से एक डंडे की दूरी जितना हो करके गुजरा। स्टैंड डम एंड स्पीक नॉट टू हिम, कि वो ऐसे ही खड़ा रहा और उनसे बात नहीं की। दिस टू मी इन ड्रेडफुल सेक्रेसी इम्पार्ट दे डिड, कि उन्होंने मुझे खौफ की हालत में मुझे ये सब कुछ बताया। एंड आई विद देम द थर्ड नाइट कैप द वॉच, के और तीसरी रात मैं भी उनके साथ निगरानी करने के लिए गया। वेयर जहाँ पर एज दे हैड डिलीवर्ड बोथ इन टाइम, जहाँ पर उन्होंने दोनों बार उसको देखा था। फॉर्म ऑफ द थिंग, वो चीज़ देखी थी। ईच वर्ड मेड ट्रू एंड गुड, कि वो जो भी बात उन्होंने की वो सच थी। द अपैरिशन कम्स कि वो चीज़ उनके सामने आई। आई न्यू योर फादर, मैं आपके बाप को जानता था। दीज हैंड्स आर नॉट मोर लाइक, मैं आपके बाप को इतना जानता था कि जितना ये दो हाथ आपस में अपने दो हाथों को कहता है कि ये दो हाथ इतना नहीं आप एक दूसरे को जानते कि जितना मैं आपके बाप को जानता था। हैमलेट कहता है बट वेयर वॉज दिस, लेकिन ये सब कहाँ था? मार्सिलियस कहता है माई लॉर्ड अपॉन द प्लेटफॉर्म वेयर वी वॉच्ड, उस जगह पर जहाँ पर हम निगरानी करते हैं। हैमलेट डिड यू नॉट स्पीक टू इट, क्या तुमने उससे बात नहीं की? और ऋषि कहता है माई लॉर्ड आई डिड, मैंने बात की बट आंसर मेड इट नन, कि उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। येट वंस मी थॉट, कि एक बार मैंने सोचा कि लिफ्टेड अप एंड इट लिफ्टेड अप इट्स हेड एंड डिड एड्रेस
इटसेल्फ टू मोशन, उन्होंने अपना सर ऊपर किया और हमें कुछ बताने के लिए हरकत की, लाइक एज इट वुड स्पीक, जैसे कि वो हमें कुछ बताना चाहते हों। बट इवन देन द मॉर्निंग कॉक क्रू लाउड, के उसी वक्त के जब सुबह के वक्त मुर्गे ने मुर्गा बोला, मुर्गे ने आवाज़ निकाली, एंड एट द साउंड इट श्रंक इन हेस्ट अवे एंड वैनिश्ड फ्रॉम आवर साइट, कि उसी वक्त वो आवाज़ सुनते ही वो वहाँ से जल्दी से चले गए एंड वैनिश्ड फ्रॉम आवर साइट, हमारी आंखों के सामने से गायब हो गए। हैमलेट, दिस वेरी स्ट्रेंज, ये बहुत अजीब है, हरिश्कत है। एज आई डू लिव माई ऑनर्ड लॉर्ड दिस ट्रू, मैंने आपकी खिदमत की है, ये बिल्कुल सच है। एंड वी डिड थिंक इट रिट डाउन इन आवर ड्यूटी, और मैं समझता हूँ कि मुझे ये आपको बताना चाहिए था, टू लेट यू नो ऑफ इट, कि आपको ये सब बताना चाहिए था। हैमलेट कहता है इंडीड इंडीड, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर्स, बट दिस ट्रबल्स मी, लेकिन ये मुझे परेशान कर रहा है। होल्ड यू द वॉच टू नाइट, कि मैं भी तुम्हारे साथ निगरानी करूँगा आज। मार्सिलियस सब बर्नार्डो कहता है वी डू माई लॉर्ड, ठीक है मेरे आका। हैमलेट कहता है आर्म्ड से यू, तुमने कहा था कवच, तो उसका क्या मतलब था? मार्सिलियस एंड बर्नार्डो कहते हैं आर्म्ड माय लॉर्ड कवच, मेरे आका कवच। हैमलेट कहता है फ्रॉम टॉप टू टो, टॉप टू टो का क्या मतलब, मतलब सर से लेकर पाँव तक, तो किसका क्या मतलब? मार्सिलियस एंड बर्नार्डो कहते हैं माय लॉर्ड फ्रॉम हेड टू फुट, मतलब सर से लेकर पाँव तक, तो बिल्कुल आपके बाप की तरह था। फिर हैमलेट कहता है देन सा यू नॉट हिज फेस, क्या तुमने उसका चेहरा नहीं देखा? और उसे कहता है ओह यस, जी हाँ बिल्कुल मेरे आका, माय लॉर्ड ही वॉर हिज बीवर अप, मतलब वो जो चेहरे के ऊपर एक पहनते हैं शील्ड, मतलब वो उसने पहनी हुई थी। हैमलेट कहता है व्हाट लुक्ड ही फ्रॉनिंगली, मतलब उसका चेहरा कैसे नज़र आ रहा था? और उसे कहता है अ कंटेंस मोर इन सोरो देन इन एंगर, के गुस्से की बजाय, गुस्से से ज़्यादा उनके चेहरे पर उदासी नज़र आ रही थी। हैमलेट कहता है पेल और रेड, जरद था या सुरख था, मतलब पेल था, येलो था या रेड था? वो कहता है नहीं वेरी पेल, और उसे कहता है नहीं वेरी पेल, ज़्यादा जरद था। हैमलेट कहता है एंड फिक्स्ड हिज आइज अपॉन यू, और क्या उसने अपनी आँखें तुम्हारे ऊपर, मतलब आँखों में देखा था, तुम्हारी तरफ देखा था? ऋषि कहता है मोस्ट कंस्टेंटली, हाँ देखा तो था। हैमलेट कहता है आई वुड आई हैड बीन देयर, मैं सोचता हूँ कि काश मैं वहाँ पर होता। ऋषि कहता है इट वुड हैव मच अमेज्ड यू, आपको भी वो बहुत अजीब लगता। हैमलेट वेरी लाइक स्टेट इट लॉन्ग, हाँ बिल्कुल बहुत ज़्यादा लगता, क्या वो ज़्यादा देर तो रुका था? गोस्ट की बात करता है, ऋषि कहता है वाइल वन विद मॉडरेट हेस्ट माइट टेल अ हंड्रेड, हाँ वो इतनी देर ही रुका था कि एक आम बंदा चहलकदमी के दौरान 100 तक, मतलब 100 तक काउंटिंग कर ले, वो गिनती, एक बंदा चहलकदमी के दौरान अगर 100 तक गिनती गिने तो वो जो वक्त होगा वो भी इतनी देर तक ही रुका था। तो मार्सिलियस बर्नार्डो कहता है लॉन्गर, बहुत ज़्यादा देर तक। ऋषि कहता है नॉट व्हेन आई सॉ इट, जब मैंने देखा तो तब इतना टाइम नहीं था, नहीं रुका वो इतने टाइम के लिए। हैमलेट कहता है हिज बियर्ड वॉज ग्रिज़ल्ड, नो, क्या उसकी जो दाढ़ी थी वो ग्रे थी, मतलब? ऋषि कहता है इट वॉज एज आई हैव सीन इन हिज लाइफ, हाँ वो वैसे ही थी जैसे कि मैंने उनको ज़िंदगी में देखा था, उनकी लाइफ में उनकी दाढ़ी को देखा था, वो वैसे ही थी। सेबल सिल्वर्ड, मतलब सिल्वर थी लेकिन उसमें ब्लैक थी लेकिन उसमें सिल्वर लाइनें थी, सिल्वर कलर के भी कुछ बाल थे। हैमलेट कहता है आई विल वॉच टू नाइट, मैं भी तुम्हारे साथ आज रात देखूँगा। प्रोहेंस विल वॉक अगेन, कि शायद वो दोबारा वापस आए। ऋषि कहता है आई वारंट इट विल, मैं गारंटी देता हूँ कि वो दोबारा आएगा। हैमलेट कहता है इफ़ इट इज़ यू माई नोबल फादर्स पर्सन आई स्पीक टू इट, कि अगर उसने मेरे बाप की शक्ल इख्तियार की हुई है तो मैं उससे बात करूँगा। दो हेल इट सेल्फ शुड गैप एंड बिड मी होल्ड माई पीस, कि चाहे जहन्नुम अपना मुँह खोल ले और मुझे बर्बाद कर दे, मेरा अमन चैन ले ले, मैं उससे बात करूँगा। प्रे यू ऑल, मैं दुआ करता हूँ, इफ़ यू हैव हिदर टू कंसील दिस साइट, कि अगर तुमने वो नज़ारा देखा है, लेट इट बी टीनेबल इन योर साइलेंस स्टिल, कि अगर तुमने वो नज़ारा देखा है और अभी तक किसी को नहीं बताया तो अभी आगे भी किसी को नहीं बताना। एंड whatsoever else shall happen tonight, और जो भी आज रात होगा, गिव इट एन अंडरस्टैंडिंग, उसे देखना ज़रूर बट नॉट टंग, लेकिन किसी को बताना नहीं। आई विल री क्वाइट योर लव सो फियर यू वेल, मैं तुम्हें इसके बदले में इनाम दूंगा और एहसान मंद होऊंगा तुम्हारा। अपॉन द प्लेटफॉर्म ट्विस्ट 11 एंड 12, के उसी जगह पर 11 या 12 बजे
बजे के दरमियान आई विल विजिट यू, मैं तुम्हारे पास आऊँगा। ऑल सारे कहते हैं, बर्नार्डो, होरेशियो और दूसरा मार्सिलिस, तीनों कहते हैं एक साथ। और ड्यूटी टू योर ऑनर, ठीक है मेरे आका, हैमलेट कहता है योर लव्स एज माइन टू यू, कि मैं भी इसे अपनी ड्यूटी मानता हूँ। फेयरवेल फेयरवेल, चलो ठीक है। और इसे कहता है मार्सिलिस एंड बर्नार्डो कहते हैं माई फादर्स, अच्छा वो चले जाते हैं, तीनों वो चले जाते हैं। फिर वो कहता है माई फादर्स स्पिरिट इन आर्म्स, फिर वो सोचता है, अपने आप से सोचता है कि मेरे बाप की रूह आर्म्स मतलब वो कवच पहने हुए हैं। ऑल इज़ नॉट वेल, सब कुछ ठीक नहीं है। आई डाउट सम फाउल प्ले, मुझे कुछ अजीब लग रहा है, कुछ गलत हुआ है। मतलब वुड द नाइट वर्क कम, कि वो रात कब आएगी। टिल देन सिट स्टिल, कि जब तक वो रात नहीं आती मुझे सुकून से रहना होगा। माई सोल फूल डीड्स विल राइज, मैं अपनी अपनी रूह को तसल्ली देता है कि जो बुरे अमाल हैं वो जाहिर होकर ही रहते हैं। दो ऑल द अर्थ्स ओवरवेल्म देम टू मेंस आई, अगरचे के ये दुनिया उन पर पर्दा डालने की कोशिश करती है। तो ये था हमारा सीन वन, और सॉरी एक्ट वन सीन टू हैमलेट में से। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी, अगर कोई मिस्टेक थी, आई होप, मुझे लगता है कि कुछ थी, लेकिन मैंने कोशिश तो बहुत की।